फ्रेंड, मैं इमरान छत्तीसगढ़ से। ये गाड़ी है मेरे पास, ब्लोरो पिकअप BS6। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। और इसको मैंने स्कैन किया क्योंकि मेरे पास अभी एक ही मोबाइल है, तो इसी में स्कैन किया, इसी में वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें फॉल्ट आ रहा है, लंबा सेंसर शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। लंबा सेंसर जो है, हो सकता है शॉर्ट होगा। और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इसका जो बैटरी यूनिट का फ्यूज है, ठीक है, यहाँ फ्यूज है इसका, ठीक है। ये 15 एम्पियर लगता है, अभी फिलहाल 10 डाल दिया हूँ मैं, नहीं था तो। ये फ्यूज बार बार उड़ा दे रहा है, ठीक है। फ्यूज लगाने के बाद तुरंत बाद उड़ा दे रहा है फ्यूज। ये 10 एम्पियर का, ये 15 का लगेगा, 10 लगा है अभी। तो फॉल्ट मैंने देख लिया है, कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये लंबा सेंसर है, ठीक है। आपको कपलर निकाल दो, देखो लंबा सेंसर जो है ना, ये पूरा गियर बॉक्स के ऊपर शॉर्ट हो गया था, पूरा चिपक गया फ्रेंड। ये पूरा वायरिंग से जल गया हीट होके, ठीक है। यहाँ पूरा यहाँ चिपक गया था, ये क्रैंक सेंसर भी चिपक गया था, देखो यार। इसका तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम यही था। अब मैं फ्यूज लगा के देखा, फ्यूज लगाने से हमारा गाड़ी जो है वो तो अब फ्यूज उड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो कभी भी फॉल्ट आएगा ये वाला, तो आप गियर बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं, ये वायरिंग शॉर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो बताने का यही है कि मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगा उसका, जो कोड दे रहा था गाड़ी, और बैटरी यूनिट का फ्यूज बार बार उड़ा रहा था ये, ठीक है।